नमस्कार, मैं हूँ शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच 1962 के युद्ध में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। चीन अपना रवैया तो नहीं बदलेगा, लेकिन लगता है वह इतिहास को भी छान कर याद रखता है। हमारे इस पड़ोसी देश को 1962 तो याद है, लेकिन वह इसके बाद भारत के दिए घाव पूरी तरह से भूल गया है। 1962 के बाद भारत और चीन के बीच 1967 में भी एक छोटा युद्ध लड़ा गया था। 2 दिन चले इस युद्ध में चीन को बुरी तरह मात खानी पड़ी थी। साल 1962 के बाद चीन ने भारत के अक्साई चीन को हड़प लिया था। इसके बाद ड्रैगन ने 1967 में भारत चीन और भूटान के बीच आने वाला चोला इलाके को भी हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार चीन को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सेना ने उस वक्त चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन चीन अपने इस इतिहास को भूल जाता है। उसे सिर्फ 1962 ही याद रहता है। 2 दिन चली यह लड़ाई 1 अक्टूबर 1967 को शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर 1967 को चीनी सैनिकों के भागने के साथ खत्म हुई। दरअसल उस समय चीन के सैनिक चोला इलाके को, जिसको डोकलाम प्लेटू कहा जाता है और जिसमें भूटान भी आता है, में दाखिल हो गए थे। उस वक्त चीन भारत की उन चोटियों को हड़पने की कोशिश कर रहा था जो इस इलाके में आती है। भारत ने समय रहते चीन को करारा जवाब दिया। 2 दिन की लड़ाई में हमारे करीब 50 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के 300 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। इससे चीनी सेना में खलबली मच गई थी। भारतीय सेना ने बचे हुए चीनी सैनिकों को न सिर्फ दूर तक खदेड़ दिया था, बल्कि उनकी हिम्मत इस कदर तोड़ दी गई थी कि उन्होंने दोबारा इस तरफ पलट कर नहीं देखा। उस वक्त भारतीय सेना की कमान जनरल सुंदर जी के हाथों में थी। इस मिशन को ऑपरेशन फॉल्कॉन का नाम दिया गया था। जानकार मानते हैं कि डोकलाम इलाके में आखिरी बार गोली सन 1967 में चली थी, उसके बाद यहाँ पर कभी गोली नहीं चली है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।